हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। स्टूडेंट, आज हम लोग जो हमारा EL 310 तथा ME 310 जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बारे में, उसके अंतर्गत हम लोग आज साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसका हिंदी अर्थ है वैज्ञानिक प्रबंधन। कि हमारा वैज्ञानिक प्रबंधन क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विज्ञान और प्रबंधन दो शब्द हैं, विज्ञान और प्रबंधन। तो जो विज्ञान होता है, इसका मतलब होता है वी का मतलब विशेष या विशिष्ट, और ज्ञान मतलब ज्ञान का मीनिंग है जानकारी, कि जो विशिष्ट जानकारी। और प्रबंधन का मतलब है किसी कोई कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करना, कि सुव्यवस्थित से नियोजित तरीके से करने की कला या क्रिया को प्रबंधन कहते हैं। तो ये दो शब्दों का समावेश है, एक विज्ञान और दूसरा प्रबंधन। तो इन दोनों शब्दों के समावेश से एक नए शब्द का बोध होता है, उसका लक्ष्य, एम और टारगेट। अब देखते हैं विज्ञान, विशिष्ट जानकारी, मैंने बताया था आप लोगों को विज्ञान से तात्पर्य है विशेष ज्ञान या विशिष्ट जानकारी या ज्ञान की अभिवृद्धि जो नए प्रयोगों द्वारा हमारी सामान्य ज्ञान में जुड़ जाती है। कि हम लोग विशेष जानकारी, हम लोग मान लो विज्ञान में क्या करते हैं, हम लोग कि बहुत सारे प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके हम लोग जानकारी निकालते हैं, कि जो प्रयोग है, प्रयोग के बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आते हैं, उनके आधार पर हम लोग जानकारी निकालते हैं। इस प्रकार साइंटिफिक मैनेजमेंट से आशय है किसी भी ज्ञान को अभिवृत ज्ञान की सहायता से योजनाबद्ध तरीके से कार्य किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सुव्यवस्थित चलाने से है। तो अब जो विज्ञान जो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसको अलग अलग थिंकर ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। अब जो हमारा टेलर है, एफ्टर रू टेलर, उन्होंने बताया था साइंटिफिक मैनेजमेंट सही रूप में ये जानने की कला है कि क्या कार्य किया जाना है, कि हम जो कार्य कर रहे हैं तो हम लोगों को कौन सा कार्य करना है, और उस कार्य को करने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो कौन सा है, उस कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। इस सर्वोत्तम तरीका अपना करके हम लोगों को सबसे पहले कम से कम समय में, कि हम लोगों को बहुत अल्प समय में एक मित्रतापूर्ण, हम लोगों को कम संसाधनों का यूज करते हुए और जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अर्थात मित्रतापूर्वक कार्य करना, और कार्य को करने के लिए जो वैज्ञानिक ढंग से योग्य व्यक्ति को चयन किया जाएगा कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, उस सारी चीज़ों को हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं टेलर के अनुसार साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर ने बताया था कि एफ्टर रू टेलर ने बताया था कि सही रूप में ये जानने की कला है क्या कार्य किया जाना है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें सबसे पहले हमें यह जानना है कि क्या कार्य किया जाना है और उस कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, कि जो कार्य हमें करना है उसका सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, सबसे पहले ये पहचानना है। जो FW टेलर है, इनको हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वो चीज़ों को जो मैंने बताई थी आपको, उन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं। उस कार्य का निर्धारण किया जाना है जिसे कि करना है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा कार्य हम लोगों को करना है। दूसरा, हम लोगों को जो सर्वोत्तम विधि का निर्धारण किया जाता है कि हम लोग किस सर्वोत्तम विधि से हम लोगों को कार्य को करना है, उस सर्वोत्तम विधि को अपनाकर कार्य को कम से कम समय में मितव्ययतापूर्वक करना है, तथा जो कार्य को करने के लिए, तीसरा पॉइंट है, कार्य को करने के लिए जो हम लोगों को योग्य व्यक्तियों हैं उनका भाई किस व्यक्ति से कौन सा कार्य करवाना है। जो हर व्यक्ति हर कार्य को नहीं कर सकता, इसलिए जो भी सुटेबल पर्सन है
जो सुटेबल वर्क के लिए जो भी सुटेबल पर्सन है उनका उनको हम लोगों का चयन करना है, उनको चयन के लिए भी हम लोगों को वैज्ञानिक ढंग से चयन करना है और उनको वैज्ञानिक तरीक़ों से उनको उन लोगों को ट्रेनिंग देना है, उनको प्रशिक्षित करना है। कार्यों करने के लिए योग्य व्यक्तियों का वैज्ञानिक ढंग से चयन किया जाता है और उन्हें वैज्ञानिक तरीक़ों से प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये हमारे टेलर के अनुसार साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया। तो इसमें हमारी तीन तीन चीज़ आई थी मोटा मोटा कि हम लोगों को सबसे पहले कार्य का निर्धारण करना है कि वही कौन सा कार्य करना है, उसके बाद हम लोग सर्वोत्तम विधि का चयन का निर्धारण करना है जैसे कि कम से कम समय में मित्रतापूर्वक अपने को कार्य हो सके, और तीसरा वैज्ञानिक ढंग से ऐसे योग्य व्यक्तियों का चयन करना है जो कार्य करने के लिए ऐसे योग्य व्यक्ति को चयन करना है और उनको वैज्ञानिक तरीके से उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाना है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए अलग अलग थिंकर ने अलग अलग परिभाषा दी। अब ये कुछ थिंकर के नाम है HSP अर्चना, FW टेलर, तो उनको आप लोग इनको देख सकते हैं। अब वैज्ञानिक प्रबंधन प्रबंधन की समस्याओं के हल का वह मानवीय दृष्टिकोण है जो वैज्ञानिक प्रबंधन है, जो प्रबंधन में जो समस्या आ रही है उनका वो मानवीय दृष्टिकोण है जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान और विश्लेषण से प्राप्त, जो हम लोग वैज्ञानिक साइंटिफिक रिसर्च और जो एनालिसिस कर रहे हैं उससे प्राप्त जो अलग अलग नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, वो परिणाम पर आधारित होता है जिसका उद्देश्य न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लाभों की प्राप्ति करना है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो मूल उद्देश्य होता है जो मिनिमम एक्सपेंडिचर पर अधिकतम प्रॉफिट, जो मैक्सिमम प्रॉफिट को प्राप्त करना है, इसके लिए हम लोगों को जो अलग अलग जो हमारे नियम सिद्धांत परिणाम आए हैं, जो ये नियम सिद्धांत परिणाम जो हम लोगों ने अलग अलग अनुसंधान किए हैं, विश्लेषण किए हैं, उनसे चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अर्थात लक्षण और विशेषताएं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के लक्षण और विशेषताएं। सबसे पहले लक्षण है डेफिनेट ऑब्जेक्ट एंड प्लान कि अब लोगों को सबसे पहले निश्चित लक्ष्य होना चाहिए हमारे पास, निश्चित लक्ष्य और योजना सबसे पहला है कि हमें जिस कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य का हमें पता होना चाहिए कौन सा कार्य है। तो हम लोगों को सबसे पहले जो हमारा जो लक्ष्य है वो डेफिनेट होना चाहिए और लक्ष्य या प्लान हमारा डेफिनेट होना चाहिए। उसके बाद में जो सेकंड है जो हम लोग जो वैज्ञानिक विश्लेषण जो हम लोग साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस करें उसके बाद उसका प्रयोग और एक्सपेरिमेंट करें, उसके बाद जो हमारे पास डेफिनेट रूल बनेंगे, उसके बाद हम लोगों को देखना है इकोनॉमी को, हम लोगों को कार्य को ऐसा नहीं कार्य में कि बहुत ज़्यादा संसाधन लगा दें, मान लो उस हम लोगों का ये सब हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कम से कम मित्रतापूर्ण कम से कम संसाधनों का यूज करते हुए अधिक से अधिक लाभ कमाएं। उसके बाद में जो हमारे जो रिसर्च है इसमें निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए ताकि इनोवेशन से नए नए इनोवेशन करके हमारा जो भी एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जा सकता है और कार्य को दक्षतापूर्वक किया जा सकता है और दक्षता में वृद्धि हो, और सामूहिक हित के लिए सामूहिक प्रयास कलेक्टिव एफर्ट फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट, हम लोगों को जो हमारा संगठन का हित जो व्यक्तिगत हित है उससे ज़्यादा उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, और जो सामूहिक हित के लिए सामूहिक प्रयास हम लोगों का एक आदमी का प्रयास नहीं होना चाहिए, वो सभी लोग मिलकर के संगठन के हित में सामूहिक तरीके से प्रयास करना चाहिए, और उत्तरदायित्व का निर्धारण करना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी डिटर्मिनेशन होना चाहिए, अगला नियंत्रण होना चाहिए, और जो हमारा लैक ऑफ स्लैकनेस और ढिलमुल नीति का उसका अभाव होना चाहिए, ढिलमुल नीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये संगठन के लिए ठीक नहीं है। अगला है श्रम और पूंजी में समन्वय कोऑर्डिनेशन अमंगेस्ट लेबर एंड कैपिटल, जो श्रम है और उस पूंजी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे। तो जो हमारी अगली क्लास है उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आज हम लोग हमारी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।